हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको आंसर याद हो जाता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बार टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हु का मतलब होता है कौन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर में क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है। जिस क्वेश्चन के अंदर प्रीपोजिशन आएगा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस प्रीपोजिशन की मीनिंग साथ में ली जाती है। तो और इन का मतलब हो गया किस में, डज हो गई हेल्पिंग बार। जो लेंचो है, जो एक जो किसान था ना, और है मतलब क्या होता है, पास होता है। तो लेंचो के पास कंप्लीट मतलब होता है पूर्ण, और फेथ मतलब क्या होता है, विश्वास होता है। तो लेंचो को पूर्ण विश्वास किस में था, ये क्वेश्चन पहला पूछ रहा है। अब सेकंड में लिखा हुआ है विच सेंटेंस मतलब हो गया कौन से जो सेंटेंस हैं और कहां पर हैं। तो लिखा इन द स्टोरी मतलब कहानी में ही है। वो सेंटेंस क्या करते हैं, टेल मतलब बताते हैं, यू मतलब आपको, और दिस मतलब यह बात बताते हैं। कौन सी बात बताते हैं, लेंचो को पूर्ण विश्वास वाली बात बताते हैं। ये दो क्वेश्चन है। चलिए तो इन दोनों क्वेश्चन के अपन आंसर याद कर लेते हैं। तो पहले में क्या पूछा था, लेंचो को किस में विश्वास है। तो पहले का आंसर देख लें क्या लिखा है। जो लेंचो था ना, हैज कंप्लीट मतलब पूर्ण, फेथ मतलब विश्वास किस में था, इन गॉड में। लेंचो को पूर्ण विश्वास किस में था, गॉड में था। बस आपको गॉड अकेला लिखना, पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेंचो को पूर्ण विश्वास किस में था, गॉड में था। हो गया होगा सब। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो सेकंड में पूछा था वो सेंटेंस लिखना है जो ये हमें बताते हैं कि लेंचो को पूर्ण विश्वास गॉड में है। चलिए तो आंसर को देखते हैं। तो आंसर में लिखा है दीस लाइंस मतलब ये जो लाइनें हैं ना नीचे जो लिखी हैं, और वो कहां पर है, इन द स्टोरी में ही है। वो आर मतलब है वो क्या है, एविडेंट मतलब है गवाह है। किस बात का गवाह है, टू मतलब का, दिस फैक्ट मतलब इस सत्य का गवाह है। चलिए तो उन लाइनों को देख लेते हैं। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, बट मतलब हो गया लेकिन, इन द हार्ट्स मतलब हृदयों में। आप किसके हृदय में, तो लिखा ऑफ मतलब के, ऑल मतलब सभी के हृदय में। क्या लिखा हुआ है, इन द हार्ट्स मतलब क्या हो गया, हृदय हो गया भाई। किसके हृदय की बात कर रहा है, तो लिखा ऑफ मतलब के, ऑल मतलब सभी के हृदय। मगर कौन से सभी के हृदय की बात कर रहा है, तो लिखा है हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे, कहां रहते थे, तो लिखा इन मतलब मैं, दैट मतलब उस, सॉलिटरी मतलब होता है एकांत, और हाउस मतलब क्या हो गया, घर, उस एकांत घर में रहते थे। कौन से एकांत घर में, तो लिखा है इन द मिडिल, जो कहां बना था, बीच में बना था। किसके बीच में बना था, तो लिखा है ऑफ मतलब के, वैली मतलब होता घाटी के बीच में बना था। वो उन सभी के हृदय में क्या थी, तो लिखा है देयर वाज अ सिंगल होप मतलब एक आशा थी, और आशा का नाम लिखा है। उनके हृदय में एकमात्र आशा कौन सी थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। पहले ही लाइन में क्या लिख दिया है, इन द हार्ट्स मतलब हृदय हो गए, किसके हृदय हो गए, उसका नाम लिखा है ऑल मतलब सभी के। कौन सभी के हृदय की बात कर रहा है, तो कह रहा हूं मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे, वो लोग कहां पर रहते थे, लिखा है इन दैट सॉलिटरी हाउस मतलब एकांत घर में, एकमात्र घर बना हुआ था वहां पर। कहां पर बना था, तो लिखा है इन द मिडिल मतलब बीच में, किसके बीच में, वैली मतलब होता घाटी के बीच में बना था। उन सभी के हृदयों में क्या थी, दरवाजा सिंगल होप मतलब एकमात्र आशा थी, उस आशा का नाम लिखा है हेल्प फ्रॉम गॉड हो गया। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। सेकंड को देखते हैं, तो लिखा है ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात भर, जो लेंचो था ना वो क्या करता है, थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म लगी हुआ है, सोचता है। अब किसके बारे में सोचता है, उसका नाम लिखा है ओनली मतलब होता है केवल, ऑफ हिज मतलब उसकी, वन होप मतलब एक आशा के बारे में सोचता है, और उस आशा का नाम लिखा है, तो क्या लिखा है, द हेल्प ऑफ गॉड मतलब ईश्वर से मदद। सेकंड लाइन में ये बता रहे हैं, जब उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है तो पूरी रात भर वो सो नहीं पाता, तो पूरी रात भर क्या करता है, थिंकिंग करता रहता है। इसलिए लिखा है ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात भर, जो लेंचो है क्या करता है, थॉट मतलब सोचता रहता है। अब किसके बारे में सोचता, उसके माइंड में क्या चल रहा था, ओनली ऑफ हिज वन होप मतलब उसकी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहता है। वो आशा का नाम लिखा, वो आशा क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड ईश्वर से मदद। ये दूसरी हो गई। अब तीसरे को देखते हैं, तो लिखा है गॉड ही मतलब है, रॉड मतलब लिखता है, भाई ईश्वर को लिखता है, क्या लिखता है, क्या लिखा है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप क्या नहीं करेंगे, मेरी मदद नहीं करेंगे। इफ मतलब होता है यदि, यू मतलब आप, और नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना, और मी मतलब क्या होता है, मेरी। तो वो ईश्वर को लिखता है, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा, माय फैमिली एंड आई मतलब मैं विल गो हंग्री, हंग्री मतलब होता भूखा होता,
होता है तो भूखे रह जाएंगे। और दिस ईयर मतलब इस साल क्या लिखा है उसने, क्या करा ही रॉट, मतलब उसने लिखा इस वर्ग को क्या लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा, माई फैमिली एंड आई क्या हो जाएंगे, विल गो हंग्री मतलब भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर मतलब इस साल। चलिए तीसरा हो गया, फोर्थ को देख लेते हैं, लास्ट है। तो क्या लिखा है, जो गॉड है ना, कुड नॉट मतलब नहीं सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते हैं, मेड अ मिस्टेक मतलब कोई गलती नहीं कर सकते हैं। लेंचो यहां पर सोच रहा है कि इस बार कोई गलती नहीं कर सकते हैं। जब वह लेंचो क्या करता है, इस बार को लेटर लिखता है, वहां पर 100 पीसोस मांगे थे, उसको रिटर्न में कितने मिले थे, 17 पीसोस मिले थे। तो वहां पर ये सोच रहा कि भाई इस बार गलती तो नहीं कर सकते उनसे, गलती ऐसे हो भी नहीं सकती है। तो ये बात उसमें लिखी है, जो गॉड है ना, कुड नॉट हैव अ मेड अ मिस्टेक, कोई गलती नहीं कर सकते हैं। और आगे क्या लिखा है, नॉर मतलब ना ही, कुड ही मतलब वह, डिनाइड मतलब होता है इंकार करना, और वह मना भी नहीं कर सकते, किसको, लेंचो को, किस बात से। तो लिखा है वॉट मतलब जो, ही मतलब उन्होंने, और क्या की थी उसने, रिक्वेस्टेड मतलब निवेदन किया, जिसके लिए उसने निवेदन किया था उसके लिए ना इस बार मना कर सकते हैं और ना ही उनसे कोई गलती हो सकती। क्या लिखा है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कोई गलती नहीं कर सकते हैं, नॉर मतलब ना ही, और कुड ही हैव डिनाइड मतलब इंकार भी नहीं कर सकते, किसको, लेंचो को, किसके लिए, गॉड मतलब जिसके लिए, ही हैड रिक्वेस्टेड जिसके लिए उसने निवेदन किया था।